हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह 8 बज रही हैं, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और यहाँ से मंदिर थोड़ी सी दूर है। सावन का पावन महीना चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। अभी गुन्नू, मैं और गुन्नू के पापा जा रहे हैं मंदिर। अभी हम लोग करेंगे यहाँ से रोड क्रॉस, और ये देखिए अभी चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं। अभी हम मंदिर में हैं और यहाँ पे कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि मंदिर में हर सावन के महीने में यहाँ पे व्यवस्था होती है कांवड़ियों की। कांवड़ियों के लिए दवाई और अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं, और ये देखिए यहाँ पे सेवा भी हो रही है कांवड़ियों की। उनके पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसके लिए इनके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। जो कांवड़िया होते हैं वो कांवड़ लेके आए हैं, तो ये देखिए इतने सारे कांवड़। बहुत भीड़ है मंदिर में, ये देखिए सारी पब्लिक। अभी देखिए शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अभी छत पे। हल्की सी बारिश बंद हुई है, दिन में 12 बजे से बारिश लग गई थी, और इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैंने दाल डाली थी छत में सुखाने के लिए, थोड़ा बहुत जो घर से लाई थी मैं, तो क्या हुआ कि बारिश हुई और सारी दाल भीग गई इतनी देर में। जितनी देर में मैं नीचे से रूम से ऊपर छत में आती हूँ, तो उतने देर तक सारी दाल भीग चुकी थी, तो उसको उठा के ले गई हूँ नीचे। अब जाके थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, और पीछे के साउंड देखिए, आजकल सावन के महीने में ना यही तो मज़ा है। पीछे पूरे साउंड की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है बहुत ज़ोर शोरों से। हमारे घर के पीछे देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इधर बरसात का, जैसे ही बरसात होती है तो इधर पूरा जलमग्न हो जाता है ये एरिया।